अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद सईद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सईद अली टेक। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमने इंटरनेट की जो अपने स्पीड है वो उसको टेस्ट करना है। कोई भी लिंक लगा हुआ है आपका, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, नायाटेल है, PTCL है, कोई भी है, कहीं से भी आपने स्पीड टेस्ट करनी है किसी भी लिंक की, एवर की आप डाटा यूज़ कर रहे हैं उसकी चेक करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आपने स्पीड टेस्ट करनी है अपने इंटरनेट की। काफ़ी लोग जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं इस मामले में कि जी हमारे से जो हमारा ISP है या कोई भी प्रोवाइडर है इंटरनेट का, वो जो पेमेंट है वो तो ले रहा है कि जी 15 MB की या 20 MB की या 100 MB की, 50 की, तो स्पीड हमें लगता है कि जी कम है। स्पीड कैसे चेक करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 से 3 आसान तरीके बताऊँगा स्पीड को टेस्ट करने के, जिनमें से एक तो ख़ास तौर पर मोबाइल की एप्लीकेशन है और उसके अलावा 1 से 2 हैं जो आप PC से या फ़ोन से जहाँ से चाहें कर सकते हैं, और एक मैं आपको जो एंड्रॉयड स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें भी आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। वाईफाई का चैनल चेक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, आप रेंज चेक कर सकते हैं वाईफाई की, और उस एप्लीकेशन से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उसके साथ कितने यूज़र कनेक्ट हैं, और उसी एप्लीकेशन से आप स्पीड भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, तो वो भी आज हम देखेंगे, और उसके अलावा मैं आपको 1 से 2 साइट्स बताऊंगा जहां से आप स्पीड टेस्ट इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है। और ये आप देख सकते हैं कि जो आपका लिंक है उसकी स्पीड जो आपके साथ आपके ISP ने कमिटमेंट की है वो पूरी दे रहा है स्पीड आपको या नहीं दे रहा। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी किस तरह से हमने स्पीड टेस्ट करनी है। अब हम ये PC की स्क्रीन पर आ गए, तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह हमने स्पीड टेस्ट करना है। जो दो मैंने आपको साइट्स बताई थी तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू किस तरह आपने टेस्ट करना है, और इसके बाद मैं आपको जो एप्लीकेशन है वो उसका प्रोसीजर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रोम खोलेंगे, PC में क्रोम खोलने के बाद कुछ बहुत ही आसान तरीका है इधर से इसका, ये देखें ये जो है क्रोम है ये ओपन हो गया मेरे सिस्टम पर। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा सिंपली स्पीड टेस्ट, और मैंने कुछ भी नहीं लिखना, स्पीड टेस्ट लिखूँगा तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली बाय ओकला का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड टेस्ट बाय ओकला। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो फिर भी सेम यही प्रोसीजर होगा और आपने कुछ भी नहीं करना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये जो ओकला का लिंक है स्पीड टेस्ट का, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा हमारे पास ओकला का। तो जब कंप्लीट ये पेज ओपन हो जाए तो उसके बाद हमने सिंपली इधर से हमने गो कर देना, तो ये अब जो है हमारे जो इंटरनेट है ये उसकी स्पीड बता रहा है। मेरा इस वक्त 15 MB का पैकेज है तो ये तकरीबन पूरी पूरी ही स्पीड बता रहा है, ये देखेंगे बिल्कुल पूरी स्पीड आ रही है। ये है जी हमारी डाउनलोड, और इसके बाद अब हम अपलोड जो है वो चेक करेंगे, ये देखें ये है इस वक्त अपलोड आ रही है, अपलोड थोड़ी कम है तो मेरी जो इस वक्त सिस्टम है उस पर तकरीबन 10 से 15 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं, तो मे भी इसी वजह से कम आ रही है थोड़ी सी, बाकी ठीक है 11 हैं। तो ये देखें जी ये एक लिंक हो गया जहाँ से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उसके अलावा एक और जो वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, इसके अलावा एक तो ओकला हो गई, दूसरी है फास्ट के नाम से है, फास्ट स्पीड टेस्ट, यहाँ से भी आप अपने इंटरनेट की स्पीड को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जी आपकी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड पूरी है कि नहीं। पुराने वाले टैब को हम क्लोज कर देते हैं ओकला वाले को, तो यहाँ से अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं, ये ओपन हो रहा है टैब और ये अब आपको बताएगा, ये जो है ये आपको अपलोड और डाउनलोड जो है वो ये दोनों इकट्ठी बताएगा, ये सेपरेट सेपरेट नहीं बताता। ओकला में ये है सिस्टम कि वो आपको डाउनलोड और अपलोड जो है वो अलहदा अलहदा भी बताता है, और ये जो फास्ट है ये आपको इकट्ठी स्पीड बताता है कि आपका लिंक कितने MB का है, ये सेपरेट नहीं बताएगा डाउनलोड और अपलोड। तो सेम यही सी प्रोसीजर से मैंने ये PC से किया, आप सेम यही प्रोसीजर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो
इसके अलावा एक और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो है जी आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पे अगर आप करना चाहें तो चलें जी वो मैं आपको बता जी दोस्तों। तो अब हम हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो जो मैं एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा था उसका नाम है जी वाईफाई मैन। मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये इसका लोगो है। तो ये मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं कि ये देखें, मैंने पुरानी स्पीड टेस्ट की हुई है, ये आपको उसकी जो आपकी पुरानी स्पीड टेस्ट है उसका रिकॉर्ड भी सेव कर लेता है। तो अभी मैं आपको दोबारा यहाँ से स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ और उसके अलावा इसके जो फ़ीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसमें जो एक फ़ीचर है वो है वायरलेस का। आप जब वायरलेस में जाते हैं तो ये आपको आपकी डिवाइस का जो वाईफाई आ रहा है उनके नाम जो जो ये इसके आसपास होंगे उनको डिटेक्ट करेगा, उनके चैनल बताएगा और सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको बताएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि वाईफाई के चैनल्स अगर मैच हो रहे होते हैं तो आपकी वाईफाई में डिसकनेक्टिविटी आती है। तो अगर आपको डिवाइस से चैनल चेक करने नहीं आ रहे या आप कह रहे हैं कि यार मेरी डिसकनेक्टिविटी आ रही है, पता नहीं क्या इशू होगा, तो आप यहां से भी चैनल चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है डिस्कवर, यहां पर आप जाके डिस्कवरी के ऑप्शन में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वाईफाई डिवाइस है उसके साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। जैसा कि अब आप ये बता रहे हैं कि जी इस वक्त वाईफाई के थ्रू 7 डिवाइसेस कनेक्ट हैं वाईफाई और लैन के थ्रू, ये आपको उनके जो नाम है डिवाइसेस के वो भी बताएगा। और उसके अलावा जो उनके आईपी जो असाइन की हुई हैं डिवाइस ने उन डिवाइसेस को वो भी आपको बताएगा और आपको आपकी डिवाइस का गेटवे भी बताएगा। अगर आपको गेटवे आईपी नहीं पता आपकी डिवाइस का, ये आपको वो भी बताएगा। तो चलें सिंपली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्पीड टेस्ट के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये डिवाइस ये जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वक्त मेरी जो सिस्टम है उस पर मैंने फ़ाइल डाउनलोडिंग पे लगा के रखी है तो इसलिए स्पीड कम आ रही है इस पर मोबाइल पे। तो क्योंकि स्पीड टेस्ट का एक असूल है कि आप हमेशा सिंगल डिवाइस पर ही स्पीड टेस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा डिवाइसेस होंगी कनेक्ट तो आपका स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। जैसा कि अब मेरी दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट हैं और मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर स्पीड टेस्ट कम आ रहा है। खैर ये तो मैंने आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और ये देखें जी ये कंप्लीट हो गया, बाकी ये पुराने मेरे रिज़ल्ट खड़े हैं। तो ये एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। ये जो एप्लीकेशन जो मैंने यूज़ किया है इसका आप नाम नोट कर लें, इसका नाम है वाईफाई मैन और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। तो जिसने भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो वो जस्ट उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है। और किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको उसका जवाब मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर